लीजिएगा ना भाई। बट आपको आना चाहिए ना, आपने इतनी मेहनत की है। यह स्ट्रैटेजी यही है कि अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है और एक टीम की तरह खेलना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन उतारना है जो आज के दिन पे होगा। सो वही प्लानिंग तो वही है कि अपना बेस्ट 11 खिलाएंगे और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। ये तो एक टफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली मेरे को इतनी तकलीफ नहीं हुई बिकॉज मैं 12 साल से कनेक्टेड हूँ इनके साथ में। सो उनको पता है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो बड़ा सीरियसली इस गेम को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिनको भी पैशन है इस गेम का, उनको सीरियस क्रिकेट खेलना बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने जैसे ही बोला कि भाई ये शुरू करना है, अभी ये टाइम बहुत हो गया, सब आ जाओ, इतने सारे जन हो गए, तो मेरे तो 2 दिन के अंदर 4 टीम बन गई। तो तकलीफ मुझे ऐसे जमा करने में नहीं हुई है, थोड़ा टेंशन ये हो रहा था कि मैं चारों टीम को इक्वल कैसे बनाऊं, बिकॉज पहला साल था। तो यू नो बहुत ज़रूरी है कि 4 टीम ऐसे खेले के कॉम्पिटिटिव हो। अभिषेक है, इतने अच्छे प्लेयर हैं, रक्षित जैसे इन्होंने बोला दूसरी टीम में इतने अच्छे प्लेयर हैं, शरद की टीम में कुछ और अच्छे प्लेयर हैं। तो इस तरह से मैंने बैलेंस करने के बस वही था। बट उसके बाद में तो आई हैव जस्ट एंजॉयड एवरी बिट, एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट ऑफ दिस प्लानिंग। सो मैं खेल रहा हूँ चेन्नई हॉटशॉट से एंड इस टीम का कैप्टन है करण भाई एंड हमारी टीम में है रिबू है, मनिंदर है, सुयश है, फैमान है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो खेलने वाले हैं और सब बहुत ही एक्साइटेड हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो देखते हैं आज क्या होता है। प्रैक्टिस सेशन अच्छा इन्होंने, थैंकफुली हमने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले जो कि लास्ट ओवर तक गए और सबको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करने का चांस मिला। सो उससे एक आइडिया हो गया कि क्या टीम खेलेगी और क्या बेस्ट 11 है। सबको मैच प्रैक्टिस भी हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी मर्जी नेट्स कर लो बट जब मैच का जो प्रेशर होता है, जब मैच खेलते हो तभी समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। सो अच्छा है, थैंक्स कि इन्होंने हमारे 2 प्रैक्टिस गेम्स रखवाए सब टीम्स के, तो सब अभी गेट अप है खेलने के लिए। देखो यार, एंजॉय करो, अब तो वर्ल्ड कप का भी पहला मैच है, आज वार्म अप गेम चल रहा है, आज यहाँ पे टूर्नामेंट का फर्स्ट गेम है, बहुत सारी क्रिकेट हो रही है। तो ये क्रिकेट देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा बिकॉज सभी जो एक्टर्स हैं क्रिकेटर्स के साथ खेलते हैं और बहुत ही पैशनेट होकर खेलते हैं। सो इट्स गोना बी अ ब्रिलियंट टूर्नामेंट। थैंक यू। जोटवानी तो इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे, इधर इधर करें जल्दी। हाँ, तो सर कितना एक्साइटेड है, फर्स्ट मैच है। बहुत ज़्यादा, खेलने मिले तो और एक्साइटेड हो जाऊँगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द ओनर्स ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि द रियल डील इज सीजन बॉल, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एक्टर्स टू ऑल्सो कम ऑन फील्ड एंड प्रैक्टिस एंड प्ले। टी वी पर तो करते ही हैं, पिक्चरों में तो करते ही हैं। बी सी एल नहीं है, दिस इज द रियल डील। आई थिंक बी सी एल एक स्माइली सॉफ्ट बॉल है जो काफ़ी कंपेटिटिव है एक तरीके से, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। तो यह एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी। पिछली टीम काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, मैंने ज्वाइन करके कुछ खास किया नहीं है, बट मेरे को उतना ही पता है कि टीम अच्छी है, अब खेलेंगे कैसा तो ही पता लगेगा, बाकी तो उस पर डिपेंड करता है। वो एक अंडरस्टेटमेंट है एक्चुअली, क्योंकि सबकी फटती है सुयश से जब बॉलिंग करने आता है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, बट इस सीजन बॉल से खेले हुए इतना टाइम हो गया, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ अंदर। तो इतना एग्जैजरेट नहीं करते हैं, थोड़ा अच्छा कर लूँगा तो बहुत अच्छी है, नहीं किया तो थोड़ा ग्राउंडेड रखते हैं। जी इन फैक्ट प्रैक्टिस मैच चालू है, इंडिया 81 फॉर 6 है, धोनी और जडेजा खेल रहे हैं, साउंड लाइक अ कमेंटेटर राइट नाउ, लेकिन बट दैट्स द ट्रुथ। या दैट्स द ट्रुथ, इट्स ओके, इट्स अ प्रैक्टिस मैच। यार ये पहला ईयर है तो मेरे ख्याल से पहली शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज, तो दिस इज बेसिकली गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट सीजन आर गोना कम। तो ये सीजन 1 है तो आई होप धमाकेदार रहे ताकि सीजन 2 सीजन 3 सीजन 4 जितने भी आए उससे भी ज़्यादा धमाकेदार रहे। सेम यार, आई मीन डी द गाय दिलीप जिन्होंने स्टार्ट किया है, ही इज़ बीन वॉन्टिंग टू दिस फॉर आई थिंक एटलीस्ट 5-6 ईयर्स, जब से मैं उनको जानता हूँ, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग। सो आई एम श्योर इट्स अ वेरी बिग डे फॉर हिम एंड अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर हिम। विशिंग हिम लक एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू प्ले क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज द कॉमन लव वी ऑल हैव एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, लास्ट ईयर व्यूअर्स को क्या कह रहा है, कितना एंटरटेनिंग होने वाला है? पता चलेगा धीरे धीरे, ज़्यादा गारंटी नहीं है। हम तो एंटरटेन होंगे अंदर,
आपको कर पाएंगे नहीं ये नहीं पता, बट डेफिनेटली प्लीज जोक्स अपार्ट वॉच इट, बीसीएल लेना ही है, दिस इज द रियल डील आउट हियर। ग्राउंड में घास में घुसते ही जब घुटने छिलते हैं और यू नो लेदर की वाला के लगती है हाथ पे, फिर पता लगता है। थैंक यू सर, मैच अपना थैंक यू कर लेते तो विजय मांडिया चलो। मैं अहमदाबाद लायंस से खेल रहा हूँ। ओके, कितना एक्साइटेड फर्स्ट मैच है आज एसीबी का, कितना एक्साइटेड, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आज की? डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज रियल बॉल से रियल ग्राउंड में खेलने का मज़ा ही अलग होता है, स्पेशली जब आपके अपने दोस्तों के साथ आप खेल रहे हो तो बहुत एक्साइटमेंट है। इनफैक्ट हम लोग लास्ट वन मंथ से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आज फाइनली दिखा जाएगा कि कौन कितना प्रैक्टिस किया है। ओके, आपके टीम के अलावा दूसरे ऐसे कौन सी टीम लगती है जो बहुत अच्छी टीम? नहीं नहीं, ऑनेस्टली चेन्नई और बॉम्बे दोनों ही बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही कंप्लीट टीम है, बट वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट। 15 ओवर का मैच है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी जीत सकता है। ओके, इसके अलावा आज वर्ल्ड कप की पहली वार्म अप मैच है इंडिया की, कितना एक्साइटेड है? डेफिनेटली एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक इंडिया हैज़ अ वेरी गुड चांस दिस टाइम, हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट अभी मैं स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स देखे, वी लॉस्ट सम विकेट्स, बट आई होप वी विन द मैच बिकॉज आप अगर एक अच्छी शुरुआत से शुरू करते हो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हाई रहता है, एंड आई वॉन्ट इंडिया टू विन एंड देन विन द वर्ल्ड कप फाइनली। बहुत एंटरटेनिंग है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर मतलब टू दिलीप अग्रवाल जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज एन एक्टर्स वी नीड दिस काइंड ऑफ ब्रेक्स, मतलब अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना दोस्तों के साथ, एंड ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने तो वेरी हैप्पी। यार बहुत एक्साइटेड है हम लोग, स्पेशली ग्राउंड पे आने के बाद बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरह से ग्राउंड दिख रहा है, टीमें आ रही हैं, यू नो, तो एक्चुअली अब फील आ रहा है कि हाँ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, एंड अब बस वहाँ जाना है और तगड़ा कॉम्पिटिशन देना और अच्छा खेलना है। और वर्ल्ड कप आने वाला है तो ये वर्ल्ड कप से पहले की शुरुआत है और इंडिया का भी फर्स्ट प्रैक्टिस मैच है तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ क्रिकेट फीवर इज ऑन एंड इट्स अ ब्यूटीफुली सेटअप बाय दिलीप और मतलब अच्छा लग रहा है कि हम सारे जो एक्टर्स हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग अच्छी जर्सीज के अंदर सब बड़े सबकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है और वो जुनून आ रहा है, वो कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है कि भाई आज तो जो है आग लगा देंगे। बहुत अच्छा रहा, हम लोग एक प्रैक्टिस मैच जीते एक हारे और उससे कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि आपकी टीम में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सो वो सब कैलकुलेट करके हम लोग रेडी हैं, सामने वाली टीम के बारे में भी पता है कि वो कैसा खेलेंगे, सो ओवरऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड वी आर गोना विन इट नाउ। या एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट है क्योंकि वी हैड अ प्रॉपर नेट सेशंस, उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस हुए, सो दैट यू नो वी एज अ टीम हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या हमारा कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं और किसके कितने हमारे पास किसके ऐसे बैट्समैन हैं और ऐसे बॉलर हैं तो हम कहीं लैक नहीं कर सकते हैं। ये देखो ये हमारे बीसीएल के ये हमारे ओपनिंग ये हमारे ऐसे ही हमें रावलपिंडी एक्सप्रेस है। सो वी हैव अ गुड सॉर्टेड टीम, एक्चुअली हमारी टीम जो है वो ऑलराउंड है और हमारे में जोश बहुत है कि हम लोग हंसी मजाक भी करते हैं, साथ ही साथ हम लोग जो है एकदम गेम को सीरियसली लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम लोग बैक करते हैं कि भाई करना है कोई बात नहीं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर आवर टीम, सो लेट्स सी। ओके, एसीबी के अलावा वर्ल्ड कप आ चुका है आज, जैसे कि आपने कहा कि yes. पहला मैच है, कितने एक्साइटेड और क्या एक्सपेक्टेशन तो वही होती है यार हर कंट्री की और अपनी तो हमेशा रहेगी कि वर्ल्ड कप घर आना चाहिए और इस बार हमारी टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो होपफुली कॉम्पिटिशन वर्ल्ड कप बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि बाकी सारी टीमें बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, बट बस यार भगवान यही करे कि अंकल जिस तरह से यहाँ से गए हैं गुस्से में, भगवान यही करे कि वर्ल्ड कप हमारे घर में ऐसे ही एकदम से आगे चला 100%। आई थिंक इस बार जीत तो अपनी है यार, लगता है मेरे को जीत तो पक्की है, तो पक्की है, इस बार जीत होने वाली है अपनी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, कितना एंटरटेनिंग होने वाला है? यार दर्शकों को ये कहना चाहूंगा पहली बार कि ये ऐसा कोई क्रिकेट लीग पहली बार हो रहा है, सो ऑल थैंक्स टू दिलीप, यूट्यूब पे लाइव आने वाला है, अगर आप लोग चाहें तो एयर इंडिया ग्राउंड पे हो रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, दिस वन टाइम थिंग जो आपको देखने को आई थिंक आज के पहले तो नहीं मिली पर आगे ज़रूर मिलेगी, जहाँ पे आपके फेवरेट स्टार
आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्टर्स, हर तरह के जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते हैं वो यहाँ पे आपको रियल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, रियल क्रिकेट किट के साथ में, सीजन बॉल के साथ में, जहाँ पे चोटी लगेंगी रियल क्रिकेट और रियल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। तुम भड़काओ ना तुम, ठीक है? तो आइए एंड यूट्यूब पे देखिए और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए, स्पेशली चेन्नई हॉट शॉट्स को। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली एक टेलीविजन लीग के लिए क्या कहते हैं क्रिकेट लीग शुरू हुआ है टेलीविजन एक्टर्स के लिए, एंड आई एम सरप्राइज टू सी दैट यू नो हमें लग रहा था कि टेलीविजन में मे बी हमें 20-22 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, बट दिस मैन दिलीप अग्रवाल दी फाउंडर ऑफ ACB इन्होंने ऑलमोस्ट नाना बोल के भी 60-70 प्लेयर्स किए एंड गुड लेवल ऑफ यू नो प्लेयर्स। तो आज आप जब देखेंगे तो यू नो वहाँ पर आपको 1% भी ऐसा लगेगा नहीं कि यू नो कि नए नए खेल रहे हैं या पहली बार खेल रहे हैं। एंड आई एम एसोसिएट विद दिलीप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इससे पहले हम हमारी एक टीम हुआ करती थी बॉक्सी बॉयज, तब एक हाँ जो हम लास्ट 12 साल से करते आ रहे हैं, तो उसमें भी टेलीविजन एक्टर्स ही हुआ करते थे। तो वी स्टार्टेड लिटिल स्मॉल विथ वन टीम एंड नाउ इट्स फुल फ्लेज्ड लीग। एंड आई विश दिलीप अग्रवाल ऑल द बेस्ट दैट ये सीजन भैया फटे हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जितना हो सके, यू नो माइलेज दीजिए सो दैट नेक्स्ट सीजन इससे भी बड़ा होगा एंड इट्स गोना बी इन बिग बिग स्टेडियम्स। या मैंने तो अपने प्लेयर्स को सीधा बोल दिया है कि यार एंजॉय करो, यू नो क्रिकेट में ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं होता। व्हेन यू हैव इंडिया पाकिस्तान मैच यूजुअली इट हैपेंस दैट यू नो प्रेशर में बहुत लोग कोई खेल नहीं पाते, सो एवरी मैच हमारे लिए तो यू नो इंडिया पाकिस्तान मैच ही है बिकॉज सारे नए हैं, कुछ प्रेशर में आ जाएंगे। अभी अचानक से इतना मीडिया देख कर, वैसे भी यू नो एक्टर्स को एक ये क्या बोलते हैं कैमरा देखकर अचानक से वो फैन में जोश में आ जाते हैं कि भाई अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो चलो भाई मैं मारता हूँ। तो मैंने इन सबको कहा है कि भाई ये सब भूल कर जस्ट एन्जॉय दी गेम, हार जीत चलती रहेगी बट यू नो हमें क्या कहते हैं प्रोफेशनल बन के यू नो खेला है। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड कप भी है और आज फर्स्ट पॉपअप मैच है। बिल्कुल, कितने एक्साइटेड और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वर्ल्ड कप आ रहा है सो आई एम सुपर एक्साइटेड। आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच भी था एंड शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, मैं थोड़ा सा देखकर फिर यहाँ पर आया हूँ। सो आई वाज जस्ट गेटिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन टीम बट अनफॉर्चुनेटली 3 विकेट गिर गए थे तो मैंने चैनल चेंज कर दिए। 60 विकेट गए तो मैंने तुरंत चेंज कर दिया, मैंने बोला ये इंस्पिरेशन नहीं चाहिए अभी मैच के लिए। सो ये मूड से मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। That's it. I'm just, you know, myself इतना ही कहना चाहूँगा that ACB is going to be one of the best cricketing league जो आप देखेंगे। बहुत जल्द टेलीविजन में भी आने वाला है, लेकिन अभी you know we are just excited कि जो भी matches हो बहुत ही tough matches हो और last ball तक जाए, that is what our aim is, so that everyone here who are going to be present here and whoever is watching you know काफ़ी सारे YouTube and अलग अलग handles पे live आने वाला है, so जो भी देखे उनको entertain हो और मज़ा आए। और जो हम लोगों को usually you know acting anchoring करते हुए देखे, emotional scenes करते हुए देखे हैं, एक अलग सा एक respect भी आ जाए that हम cricket भी खेल सकते हैं। Thank you so much. Thank you. स्ट्रैटेजी क्या है क्रिकेट, इट्स ऑल अबाउट द डे यार। अभी आप देख रहे हैं इंडिया खेल रही है इंग्लैंड में, 179 पे आउट हो गई है, सो इट्स अबाउट द डे कैसा खेलते हैं। बट हाँ ये है कि तैयारियाँ पूरी हैं, प्लेयर्स हैं एक्साइटेड, बहुत खुश हैं सब बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट। इतने सारे एक्टर्स को भी देखें छत के नीचे, ये सिर्फ डी कर सकता है, दिलीप कर सकता है। सो सभी एक्साइटेड हैं, सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कर चुके हैं एक महीने से पहले, सो अब तो डी डे है, अब तो जो परफॉर्म करेगा वो देखा जाएगा। सो वी आर रेडी टू परफॉर्म वेल और मज़ा आएगा मैच खेलने में यार, सब दोस्तों के बीच मैच है बट हर एक को जीतना चाहता है तो हम भी जीतना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि जीतेंगे। देखो फॉर्मेट में डिस्कस भी किया था पहले बिकॉज मैं दिलीप सलील हम लोग बहुत साल से खेलते आ रहे हैं, 12-13 साल हो गए साथ में। तो देखिए एक तो क्या है ना 20 ओवर का जो फॉर्मेट होता है प्लस हम
उतने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, तो जो टाइमिंग है, जो 4 hours ऑन द फील्ड आप फील्डिंग करो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो, उतना तो टाइम एक दिन में 8-9 घंटे का टाइम निकालना वो बड़ा मुश्किल काम है। सेकेंडली फिटनेस के हिसाब से यार, सब एक्टर्स हैं, किसी को इंजर नहीं करना है, और जब आप लंबा गेम खेलते हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखते हुए कि बहुत छोटा फॉर्मेट भी ना हो, 10 ओवर का भी ना हो और 20 का भी ना हो, 15 ओवर ऐसा है जहाँ क्रिकेट भी खेली जा सकती है अच्छे से, कोई जल्दबाजी भी नहीं होती इतनी, 10 ओवर जैसे कि मारो आओ और मारो। सो इट्स अ सेटअप वी ऑल डिसाइडेड कि यार 15 ओवर रखते हैं, तो इसमें वो फैक्टर भी है कि हिटिंग भी करनी है और एक जेन्युइन क्रिकेटर वाला गेम भी खेलना है। सो बड़ा ध्यान और फिटनेस भी सबका, सब फिट रहें, इंजरी ना हो किसी को, किसी को स्पाजम ना हो, किसी को स्ट्रेंस ना हो, वो सब रखते हुए, क्योंकि बहुतायत में हमारे प्लेयर्स की जो उम्र है वो 35 के ऊपर की है, तो वो सब ख्याल में रखते हुए ये 15 ओवर का एक नया सिस्टम शुरू किया है। अच्छा अच्छा, नहीं प्रेशर तो कोई नहीं है यार, मतलब ये है कि हाँ टीम अच्छा खेले हमारी, सबसे ज़्यादा यही कोशिश रहती है। जो प्रेशर की बात कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि मुंबई फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की देख रहे हैं आप ये कैसे रन मार रहे हैं लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक की टीम में इक्वली डिवाइडेड प्लेयर हैं, और सिर्फ यही एक रीज़न बोल सकता हूँ शायद लोगों को लग रहा हो, क्योंकि मेरी टीम रेगुलर नेट्स कर रही थी, बाकी लोग शायद शूटिंग कर रहे हों, ऐसे नहीं आए हों या कुछ और काम होगा उनको, बट हाँ ये है कि उनको दिखता है कि पूरी टीम यूनाइटेड है, 11 या 12 या 13 प्लेयर रोज़ नेट्स करने आ रहे हैं, जब भी नेट्स सके जा रहे हैं, सो एक वो शायद प्रेशर यूनिटी का है, खेल का मुझे पता नहीं। ऑब्वियसली यार मैंने तो इतने सारे वर्ल्ड कप देख लिए अभी, फ्रॉम 83 आई थिंक देखता आ रहा हूँ वर्ल्ड कप, सो और क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है वर्ल्ड कप का हमेशा। बहुत इच्छा थी कि इस बार लंदन जाके मैच देखा जाए, बट हमारा एक आदमी जा रहा है लंदन देखने के लिए, उसका नाम है करण भाई, अब नहीं जा पा रहे हैं, इवन मेरी टीम के 2-3 लोग जा रहे हैं, शिव हैं, राजा हैं, ये लोग मैच देखने जा रहे हैं लंदन, सो मे बी शायद मौका लग गया तो मैं भी जाऊँ। लेकिन ये है कि यहाँ शुरुआत ही बड़े उलट फेर से हुई है, कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया पहले मैच में, तो एक बड़ा उलटफेर था, भले प्रैक्टिस मैच था लेकिन एक स्ट्रॉन्ग साइड दिखाई दी वहाँ। आज इंडिया जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर मानी जा रही थी, वो आज 179 पे आउट हो गई, सो इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ऑल 15 प्लेयर्स का फॉर्मेट है जो प्रैक्टिस मैच में, सो इट्स अबाउट द डे यार, मैं हमेशा बताऊँ क्रिकेट जिस दिन आप खेल रहे हैं उस दिन कैसा दिन है आपका, कैसा खेलते हैं उस पर डिपेंड करता है, कितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हों, सचिन भी 0 पे आउट होते हैं और कभी कभी एक बॉलर भी 100 रन मार के जाता है, तो आप कह नहीं सकते हैं हाँ, बट ये है कि जो लंदन के विकेट्स हैं वो बहुत बैटिंग फ्रेंडली दिख रही हैं, जैसे कि लास्ट सीरीज भी हुई है पाकिस्तान इंग्लैंड की, तो आई थिंक बहुत सारे रन बनने के चांसेस हैं वहाँ पे और खूब सारे चौके छक्के लगने वाले हैं। यार एक्साइटमेंट तो बहुत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इतने टाइम बाद क्रिकेट खेलने को मिल रहा है और इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मज़ा भी आने वाला है, और स्ट्रैटेजी तो हम फील्ड पे दिखाएंगे। ओके, मुंबई के अलावा ऐसा कौन सी टीम होगी जो बहुत टफ टीम है या बहुत स्ट्रॉन्ग टीम? ये तो पता नहीं यार, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टीम भी है जो मुंबई को बीट करे या इससे भी ज़्यादा कोई टफ टीम हो। प्रेशर भाई मुंबई में, मेरे दूसरों की टीम पे प्रेशर है, मैं खुद मुंबई से खेल रहा हूँ तो उनको प्रेशर होना चाहिए कि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, आज फर्स्ट वार्म-अप मैच था, सो एज अ क्रिकेट लवर कितना एक्साइटेड हो? यार मैं वर्ल्ड कप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, एवरी क्रिकेट मैच मैं पूरा एक्साइटेड रहता हूँ, पर अभी स्पेशली ये वर्ल्ड कप है तो बहुत बहुत खुशी है, और जो हमारी इंडियन टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, तो आई थिंक वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही आने वाला है वापस से, और फिर सब इंडिया तो पार्टी करेगी करेगा, हम लोग भी पार्टी करेंगे। आपकी टीम में ऐसा कौन सा जो प्लेयर है वो जो ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि हमने हर मैच में देखा है कि लास्ट में कोई ऐसा प्लेयर होता है जो पूरा गेम चेंज कर देता है?
आपकी टीम में ऐसा कौन है? हमारी टीम में एक्चुअली सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, हमारी टीम में 16 के 16 जो प्लेयर है, 15-16 वो सारे ट्रम्प कार्ड हैं। अभी दिक्कत ये है कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। अब 16 तो नहीं खिला सकते, तो इसलिए हमारी टीम अभी इसी में ही कन्फ्यूज्ड है कि यार कौन से जो 3-4 लोग हैं उनको कौन बाहर बैठेगा, क्योंकि एक से एक धुरंधर है, तो बस सब तड़प रहे हैं किसको परफॉर्म करने का मौका मिल जाए बस। ओके, लास्ट दर्शकों को क्या कहना चाहिए, एसीबी कितना एंटरटेनिंग होने वाला फर्स्ट ईयर? यार एसीबी का पहला सीज़न है और एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है। आप पूरा ग्राउंड सब कुछ सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, तो बहुत देखने वालों को बहुत मज़ा आने वाला है, खेलने वालों को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड आई एम श्योर जो भी देखेंगे उनको बहुत ही जो प्रॉपर क्रिकेट देखते हैं उनको लगेगा कि हाँ यार सिर्फ ये मतलब एक्टर्स नहीं खेल रहे हैं, एक्चुअली क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो सब लोग पूरी तैयारी से आए हैं और मस्ती करने आए हैं। थैंक यू। चलो सबको ले लो यार, आगे ले लो मेरे से, मैं तो आगे बड़े छोटे हो तुम, भूल जाते हो तुम अपने आप। स्पीड बचा करो, चलो मेरा हाथ पहले। सेकंड मैच स्टार्ट होने में फिलहाल तो टाइम है, बहुत टाइम है फिलहाल, हम सो सकते हैं। तो बहुत टाइम है अभी मैच शुरू होने में, हम सब रिलैक्स करने वाले, खाएंगे पिएंगे, हम बकवासें करेंगे बैठ के यहाँ पर। सी आईडिया ये कि हम लोगों ने नेट्स पे इतनी प्रैक्टिस कर ली है, जिसको हम बोलते हैं टीम स्ट्रेटजी, ऐसे जो बकवासें करेंगे हम बैठ के। एक्चुअली इट्स अ टीम स्ट्रेटजी, हम लोग एक महीने हमने बहुत बैंड बजाई है। अब बब्बर साहब आओ, बहुत कुछ किया है बब्बर, आ गए देखो बब्बर, शेयर किया हमारे पास, आ गए। प्रैक्टिस फील रिलैक्स, वील टेक इट इजी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, इसको टूर्नामेंट की तरह नहीं लेंगे, इसको फन की तरह लेंगे, राइट? करेक्ट, हमारे स्पॉन्सर्स मालिक सब कुछ यही है। माई बाप है हमारे, माई बाप सर हर बार मेरी मतलब क्लास ले लेते हैं। क्लास नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, अच्छा आदमी है मतलब, इसलिए नहीं सर, तो बड़ी दुश्मनी होती है। प्लानिंग है हमारा तो कुछ है नहीं, सर की प्लानिंग है जो भी है, और इंशाल्लाह देखो। नहीं, मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा यार, हमारे जितने भी टीम के हैं, अभिषेक हो या पारस हो या सावंत हो, राहुल हो, और एक बार माननी पड़ेगी, इससे डिसिप्लिंड अपने साइड देखी नहीं हुई किसी भी टूर्नामेंट में, मतलब अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, इतने सब मतलब कोऑर्डिनेटेड हैं, टाइम पे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल, मतलब रिहर्सल क्या बोल रहा हूँ, रिहर्सल करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, एक भी एक भी शब्द बाहर नहीं बोलते उससे ज़्यादा, तो नहीं, बट तारीफ करने की इन लोगों की है, सबने बहुत टाइम निकाला है अपना। एक्चुअली जो हमारी शिप का कैप्टन है वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिंड है, तो हमें एक्चुअली रहना पड़ता है ऑटोमेटिकली, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पता लगे कि कब डांट पड़ जाए और कब हम 11 से 12 से 16 से बाहर हो जाए, तो इसलिए हमें करना पड़ता है। नंबर नहीं देना चाहता था के बाद ऐसा, तो उल्टा बोला वो 13 बजे आता है, 7 बजे के नेट सेशन पे हम पौने 7 बजे पहुंच जाते हैं, वो पॉइंट्स नोट हो रहे होते हैं कि चल तेरी बैटिंग नीचे होते जा रही है। कुछ लोगों ने अच्छा किया शायद ओपनिंग जाए आज, ग्रुप में कमेंट्स अच्छे किए इसलिए शायद ओपनिंग बॉलिंग या ओपनिंग बैटिंग कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं और शायद टीम में भी ना हो, और कुछ लोगों ने बहुत ट्राई किए कवर अप करने की, कितना कवर अप हुआ वो बैटिंग 11 या प्लेइंग 11 से मालूम पड़ेगा। अरे स्ट्रॉन्ग टीम का क्या मतलब है, हुआ है देखो हमारी तो, हमारी टीम देखो क्या है, सिंपल चीज है कि सबसे ज्यादा मेहनती लोग इस टीम में है, तो उस मेहनत का डर है लोगों को, ऐसा नहीं हर टीम अच्छी मजबूत टीम है, अच्छा खेल रहे हैं, क्या स्कोर कर रहे हैं लोग बैठ के 200-250 रन मार रहे हैं लगता है मेरे को, बट सिर्फ यही है कि हमारी टीम सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है, सबसे ज्यादा रेगुलर है और सबसे ज्यादा फोकस है, तो इसलिए शायद उनको डर लगता हो, बाकी हम सब आम क्रिकेटर हैं, कुछ खास नहीं है हम लोग। बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस मैच भी खेले हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट आया है, और पूरे डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेला हम लोगों ने, तो आज भी उसी डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलेंगे और मैच को जीतेंगे। सी आइडिया ये सिर्फ इतना है कि जैसे कि हमारा कैप्टन ऐसा है कि वो कोई कमी छोड़ता नहीं, आई थिंक वी आर दी ऑनेस्ट क्रिकेटर हियर, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग है, बट ये कि हम लोगों ने जितना ऑनेस्टी के साथ नेट्स पे टाइम दिया है उतना आज, अब ये जीतना है ना ठीक है सेकेंडरी है, इतना मालूम है कि हमने जितनी प्रिपरेशन की अगर उतना खेले तो अच्छा ही करके जाने वाले हैं। हाँ जी, क्या की प्लेयर्स जिन चाबी किसके पास है, चाबी ले गया भर की, हाँ जो मुझे अपनी गाड़ी की चाबी देगा वो की प्लेयर है। नहीं नहीं एक्चुअली सभी अच्छे खेलते हैं यार, इट डिपेंड्स ऑन द शिवनारायणन भी आ रहे हैं, होल टीम स्लॉट कैसे डिवाइड होता है,
अभी फिलहाल हम नेट्स के लिए जा रहे हैं सब लोग. वी विल वंस अगेन सी कौन कैसे खेल रहा है, सामने वाली टीम में कैसे बॉलर्स हैं, हमको बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है कि बॉलर्स की ज्यादा जरूरत है, ये देखा जाएगा. उसके बाद टीम अनाउंस की जाएगी. सिंपल, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है कुछ. एक एक सिंपल चीज ये है कि हमारी टीम अकेली ऐसी टीम है जिसमें कैप्टन को पता है कौन क्या कर सकता है. अब कंफ्यूजन ये है कि किसको प्लेइंग 11 में रखना है, सबके गेम पता है उसको. ये सवाल सबसे कठिन सवाल होता है किसी भी कैप्टन के लिए, करेक्ट, बिकॉज सब अच्छा खेल रहे हैं और खेलेंगे सिर्फ 11 ही. और हमारे आदरणीय डी ने सबको 20-20 प्लेयर दे दिए हैं. तो बली का बकरा एक ही आदमी है, वो है कैप्टन. तो भले अब गाली खानी पड़े बाद में, लेकिन अब जीतने के लिए खेलेंगे हम लोग. और मुझे पता है मेरी टीम ऐसी नहीं है जो बुरा मानेगी या कुछ करेगी. उनको पता है फर्स्ट डे से कि हम लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं. हमारी टीम स्पिरिट बहुत हाई है. कोई बाहर बैठ के, लेकिन वो भी टीम का सपोर्ट ही है, मुझे पता है. जो खेल रहा है वो भी उतना इंपॉर्टेंट जितना बाहर बैठने वाला है. सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच एंड वी वांट टू प्ले फॉर विनिंग इट. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा बेस्ट प्लेयर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म बैट्समैन है इधर. लेकिन लेकिन एक चीज और है कि हमारा एक बीमार प्लेयर भी है जो अभी भी जॉइंटिस से निकल आया है. जॉइंटिस में आया था हमारे इधर, ये जॉइंटिस से अभी उभर के आया है. बहुत ही सीनियर प्लेयर है हमारी टीम के. ये भी खेल सकता है. सबसे सीनियर प्लेयर आ चुके, तालियां बजाइए इनके लिए. आ गए सबसे टैलेंटेड है, सबसे क्विक है, सबसे ज्यादा पैशनेट है. महेश भट्ट अभी भी ढूंढ रहे हैं. 700 रुपए खत्म हो गए. 700 रुपए दिए थे सब बोलने के लिए. 750 दिए थे, खत्म हो गए 750 रुपए. इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकता मैं.